सबसे पहले देश को पहली महिला राष्ट्रपति, फिर पहली महिला लोकसभा स्पीकर के बाद अब उम्मीद जगी है कि यूपीए सरकार महिला आरक्षण बिल भी लाएगी, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं तीन यादव। जी हां, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव। कहते हैं ना, तीन तिगारा काम बिगाड़ा। महिलाओं को संसद और विधानमंडलों में 33% आरक्षण का बिल इस लोकसभा में पहली बार अपने परायों की लकीर बताएगा। सरकार के 100 दिन के एजेंडे में सबसे ऊपर है ये बिल। कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट को कोई एतराज नहीं। हमारी कोशिश पिछले 10 साल से रही है कि इसके ऊपर एक आम राय बन सके और ये जो कोशिश है वो बरकरार रहेगी। लेकिन यूपीए के लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, वहीं एनडीए के शरद यादव शुरू से रहे हैं मौजूदा बिल के विरोधी। महिला आरक्षण का जो वर्तमान प्रारूप है उस प्रारूप से हमारा सहमत होना संभव नहीं है। संख्या के बल पर सरकार अगर इसे पारित कराना चाहे वो करा ले, लेकिन हमारा प्रतिरोध रहेगा। और हमने बिहार में भी 50% किया है कोटा विदिन कोटा, उससे बढ़िया कोई मिसाल नहीं। और वही हम मांग करते हैं, कुछ 100% कर दो, लेकिन कोटा अंदर कोटा विदिन कोटा हो। लोकसभा के मौजूदा आंकड़े बिल विरोधियों पर भारी हैं, लेकिन अगर सरकार इस बिल को आम राय से पास करवाना चाहती है तो उसे इसमें कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर करने ही होंगे। संसद भवन से मनोरंजन भारती के साथ कुमार विक्रांत सिंह, एनडीटीवी इंडिया।